सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम जी टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। लाइक, कमेंट, शेयर करने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत आभार। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। भगवान शिव का अति प्रिय श्रवण मास आज सोमवार से प्रारंभ हो गया है। भदोही जिले के शिवालयों में भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। बेलपत्र, धतूर, दूध, गंगाजल, फल और सुगंधित पुष्पों को भोग लगाकर देव अधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है। भदोही जिले के ज्ञानपुर बाबा हरियनाथ मंदिर, सुंदरवन कटे बना, सिमरातनाथ सीतामढ़ी, बाबा बड़े शिवधाम गोपीगंज सहित तमाम शिवालयों में भोले भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिर पर पहुंचकर भोले के भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। उधर भदोही जिले की सड़कें भी कांवरियों से गुलजार हो गई है। आज 22 जुलाई से 19 अगस्त तक श्रवण मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। आज सोमवार की भोर से ही भदोही जिले के तमाम शिवालयों में भोले भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। गुरु पूर्णिमा पर भदोही का एक परिवार हादसे का शिकार हो गया है। बाइक पर सवार यह परिवार गुरु पूर्णिमा पर दर्शन करने शक्तेशगढ़ आश्रम जा रहा था। हादसे में जहां एक महिला की मौत हो गई, वहीं दो लोग घायल हैं। हादसा होते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जुरई गांव निवासी प्रेम बहादुर यादव की पत्नी 55 वर्षीय कमला देवी, 35 वर्षीय बेटा इंद्रजीत यादव व 10 वर्षीय किशोर रोहित यादव एक बाइक पर सवार होकर सक्तेशगढ़ आश्रम जा रहे थे। बाइक मिर्जापुर के चील पहुंची थी, तभी सड़क किनारे एक भारी भरकम पीपल के पेड़ की सूखी डाल टूटकर बाइक पर गिर गई, जिससे कमला देवी, इंद्रजीत यादव व रोहित यादव घायल हो गए। सभी घायलों को मिर्जापुर के बजाय परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने कमला देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि इंद्रजीत व रोहित का इलाज चल रहा है। कमला देवी का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। कांवड़ यात्रा को लेकर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ा फरमान जारी किया है। ज्ञानपुर इंस्पेक्टर अरुण प्रकाश गिरी ने अंडा, बकरा, बिरयानी, मुर्गा, मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है। रविवार को ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अलग अलग स्थानों से अंडा, बकरा, बिरयानी, मुर्गा, मछली के दुकानदारों को बुलाया गया था और कोतवाली में एक बैठक कर इंस्पेक्टर ने यह निर्देश दिया है। कहा कि सावन माह तक अगर इन चीजों की बिक्री हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में छोटू, फिरोज, मन्नू जैसे दर्जनों दुकानदार मौजूद रहे। भदोही शहर के मोहल्ला जल्लापुर में विद्युत तारों के मकड़ जाल से मोहल्ले के लोग परेशान हैं। जर्जर विद्युत तार को बांस बल्ली के सहारे दौड़ाया गया है। आए दिन विद्युत तार टूटकर गिरते रहते हैं। जर्जर तारों के मकड़ जाल से आजादी पाने के लिए मोहल्ले के सरफराज अंसारी, साजिद अली, उदल गौतम, रईस अंसारी, बदरुद्दीन अंसारी, हैदर खान जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि जर्जर व मकड़ियों के जालों की तरह उलझे तारों में आए दिन शॉर्ट सर्किट भी होती रहती है। लो वोल्टेज तो इस मोहल्ले की मुख्य समस्या बन गई है। कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। जल्लापुर मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए एबीसी केबल व खंभा लगवाए जाने की मांग की है। कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों को लेकर भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बड़ा फरमान जारी किया है। भदोही जिले के सभी निजी नर्सिंग होम व हॉस्पिटल संचालकों को निर्देश देते हुए सीएमओ ने कहा कि श्रवण माह प्रारंभ हो गया है, ऐसे में बड़ी संख्या में भदोही जिले से कांवड़ यात्री गुजरते हैं। अगर यात्रा के दौरान किसी भी कांवड़ियों की तबीयत खराब होती है तो ऐसे में इलाज के लिए कांवड़ यात्री भदोही जिले के निजी अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें फौरन सुविधा उपलब्ध कराते हुए कम पैसे में इलाज किया जाए। सीएमओ ने रविवार की देर रात कांवड़ियों के लिए यह फरमान जारी किया है। एक युवक के बर्थडे पार्टी में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। मारपीट में 9 लोग घायल हुए हैं। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के अस्ती गांव का है। गांव के साईं मंदिर पर प्रिंस शर्मा नामक युवक के जन्मदिन को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था। गांव में अस्ती व हुरैयापुर गांव के युवक पहुंचे थे। एक पक्ष का आरोप है कि केक की झूठी प्लेट उनके ऊपर फेंक दी गई,
जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि जूठी प्लेट हवा से उड़कर गई थी। इसी बात को लेकर पहले कहा सुनी गाली गलौज होने लगी, देखते ही देखते ही दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। एक पक्ष से अंकित सिंह, अवनीश चंदा सिंह, अनीता व दूसरे पक्ष से अनु शर्मा, अभिषेक यादव, अमन यादव, बच्ची यादव, सचिन को चोटें आई हैं। दोनों पक्ष देर रात तक भदोही कोतवाली में डटा रहा। मारपीट में कोई गंभीर नहीं है, सभी को मामूली चोटें आई हैं। भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन आज से शुरू हो गया है। सावन के इस पावन अवसर पर देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटे बना द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्रीराम जानकी मंदिर परिसर में एक माह का अखंड रुद्राभिषेक आज से शुरू होगा। सुंदरवन कटेबना मंदिर की पीठाधीश्वर मां राजलक्ष्मी मंदा ने बताया कि आज 22 जुलाई से अखंड रुद्राभिषेक का भव्य एवं दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जो 19 अगस्त तक चलेगा। 19 अगस्त को ही सुंदरवन कटेबना से रथ यात्रा गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट तक निकाली जाएगी। 20 अगस्त को मंदिर पर महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया है। एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार राहगीर को टक्कर मार दी है। हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामला भदोही शहर के मुसीलाटपुर गांव के समीप का है। मुसीलाटपुर निवासी 47 वर्षीय पारसनाथ साइकिल से जैसे ही भदोही ज्ञानपुर मार्ग पर पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पारसनाथ घायल हो गए थे। सूचना पर एम्बुलेंस के EMT राधेश्याम और पायलट गौतम कुमार पहुंचे थे। सरकारी एम्बुलेंस से घायल पारसनाथ को MBS भदोही में लाया गया था। SP डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन ने रविवार को कावरियों के रास्ते का जायजा लिया है। SP डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन दलबल के साथ हाईवे पर भी पहुंची थी, साथ ही कावरियों की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को SP ने तमाम निर्देश भी दिए हैं। कावर यात्रा को लेकर हाईवे सहित कावरियों के रास्ते पर पुलिस की तैनाती की गई है। हाईवे के उत्तरी लेन पर आवागमन बंद कर दिया गया है। SP डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन दलबल के साथ ढाबों और सीवरों में भी पहुंचकर कावरियों के व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। SP ने निर्देश देते हुए कहा कि कावरियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। रविवार को भदोही जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में गुरु पूर्णिमा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिष्यों ने गुरुजनों की पूजा अर्चना की है, गुरुओं के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा को लेकर हर तरफ उत्सव जैसा माहौल रहा। भदोही शहर के नई बाजार के शहीद नगर हनुमान मंदिर, गोपीगंज के बाबा बड़े शिवधाम स्थित कॉलोनी में दीन दुखी आश्रम व गोपीगंज के ही बड़ा उदासीन अखाड़ा में गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों व भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। गुरु पूर्णिमा को लेकर कहीं भंडारा तो कहीं प्रसाद का वितरण होता रहा। गुरु पूर्णिमा पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में उत्सव जैसा माहौल देखा गया। रविवार को हिंदू धार्मिक व सार्वजनिक स्थल सुरक्षा मंच के पदाधिकारी भदोही SDM कार्यालय पहुंचे थे और प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र भदोही तहसीलदार संजय कुमार को सौंपते हुए बीते मुहर्रम जुलूस पर ध्यान आकर्षित कराया है। सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश बिंद के नेतृत्व में भदोही तहसील पहुंचे नीरज बर्नवाल, आशीष चौहान, भरत जायसवाल, राहुल कुमार गुप्ता ने कहा कि इस बार मुहर्रम ताजिया जुलूस को जानबूझकर काफी देर तक घुमाया गया। कहा कि जिसकी वजह से नई बाजार व भदोही में देर रात तक विद्युत आपूर्ति ठप रही, जिससे जनमानस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पत्र सौंपते हुए कहा कि अगले साल मुहर्रम जुलूस को निर्धारित समय पर संपन्न कराया जाए। एक तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर महिला को अपने चपेट में ले लिया। हादसा होते ही बाइक सवार मौके से फरार हो गए। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग चर्च के समीप का है। ऊंच के मुगरहा निवासी मिश्री लाल गौतम की 50 वर्षीय पत्नी अपने पड़ोसी शशिकांत गौतम की 35 वर्षीय पत्नी नीलम गौतम के साथ ऑटो से गोपीगंज आई हुई थी। पड़ाव पर ऑटो से उतरकर दोनों महिलाएं चर्च के समीप पहुंची और हाईवे पार करने लगी, तभी वाराणसी की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने दुर्गावती देवी को टक्कर मार दी, जबकि नीलम गौतम बाल बाल बच गई। हादसे में दुर्गावती देवी जहां गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं बाइक पर सवार बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के रया मलियापुर में एक युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने गांव के ही अरुण सिंह के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर दीपक माली नामक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया गया था। युवक अपने घर से दवा लेने निकला था, तभी बाइक रोक कर मारा पीटा गया है। रया गांव निवासी दिनेश माली की पत्नी किरण माली की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने रया गांव निवासी अरुण सिंह के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के तिलंगा गांव में जमीनी विवाद में कुछ लोगों ने कांधा दुबे नामक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया है। पिटाई से कांधा दुबे को चोटें आई हैं। कांधा दुबे ने गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर गांव के ही अमरनाथ दुबे, सुभाष दुबे, किशन दुबे, प्रिंस दुबे के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर देते हुए बताया कि जमीनी विवाद को लेकर उसे गाली गलौज देते हुए मारा पीटा गया है। किसानों के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारी मार्गदर्शक व मशहूर बिरहा गायक दिवंगत रामापति यादव की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। मोड़ बाजार के चकजीवरानी नरोत्तमपुर गांव में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जहां कामरेड रमापति यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। इस मौके पर रामकृष्ण यादव, हीरालाल यादव, इंद्रदेव पाल, बैजनाथ यादव, जयप्रकाश सिंह आदि मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के एक गांव से नाबालिग किशोरी को एक युवक भगा ले गया है। आधी रात के बाद नाबालिग किशोरी को भगाने का मामला गोपीगंज कोतवाली भी पहुंच गया है। किशोरी के परिवार की एक व्यक्ति की तहरीर पर गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने हरदेवपुर निवासी चरण सिंह यादव नामक युवक पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस युवक व किशोरी की तलाश में जुटी हुई है। सत्यम न्यूज की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना। सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज वेब टीवी पर चलने वाली व छपने वाली वह खबरें जो भदोही जिले के अलग अलग आला अफसरों व विभागों को शिकायती पत्र देकर शिकायतकर्ता अपनी खबरों को प्रकाशित करवाते हैं, वह उनका व्यक्तिगत आरोप है। सत्यम न्यूज ऐसे तमाम आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।